ने जो तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी को जो समर्थन दिया है उसका स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार पर जो आपने हमला किया है उसको जारी रखिए और इस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करिए। इसके लिए इस देश की जनता ने दिया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के जो कार्यक्रम आपने चलाए हैं उस कार्यक्रम को चलाए रखिए। चरण को पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ? सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का, प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं जेल में उठा के बंद कर दिया गया। खान का किताब लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे, आज भी नेता विपक्ष बोल रहे थे संविधान की जय हो। अरे जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने इस देश के संविधान का धज्जी उड़ाया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को चकनाचूर किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को कलंकित किया हो, उसको संविधान लेके सदन में आने का क्या हक है और संविधान की बात करने का क्या हक है? उनको कोई हक नहीं है संविधान के बारे में चर्चा करने का। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को समाप्त करने का काम किया है। पूरा इमरजेंसी इसका गवाह है। ये सत्य है और सत्य सुनने की आदत डालिए, सत्य जानिए। सच्चाई है। देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। आपका पार्टी का नेता भी वही थी, इमरजेंसी के समर्थन में थी। ममता बनर्जी भी उसमें कांग्रेस पार्टी में थी और इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। आप मत बोलिए सौगत राय साहब, हम लोग भुगते हैं, हम लोग ने पीड़ा सही है, हम लोग को दर्द मालूम है। इसलिए आप ही चले जाइए, दो चार बार बन जाइएगा बंगाल में, चिंता मत करिए। अभी तो खाली कानून का किताब लेके खड़ा हो जा रहे हैं, इसलिए खाली टिकट आपको दे के लोकसभा का मेंबर बना दिया जा रहा है। तो इसलिए खाली संविधान पढ़ते रहिए, संविधान दिखाते रहिए। संविधान से कोई लेना देना आप लोग का है नहीं, संविधान से कोई मतलब आप लोग का है। और कई पार्टियां पॉलिटिकल भाषण कर रहा था जैसे लगता है कि पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हो। आप वही सा रहे हो इस देश में। जॉर्ज फर्नांडिस एक नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसा नेता था जिसकी देशभक्ति रोम रोम में भरी हुई थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को कितना कलंकित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम और अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। और ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है हम लोग। तो इसलिए संविधान की बात तो मत करिए, खास करके नेता विरोधी दल का परिवार को कौन संविधान की बात करने का हक है? नेता विरोधी दल का परिवार संविधान विरोधी है। काला अध्याय में आपके परिवार का इतिहास लिखा जाएगा, इस देश के इतिहास। इसलिए आप करिए। अरे नेताजी के आत्मा रो रही होगी, 11वें स्थान पर था 1984 में जो यहाँ दंगा हुआ था, यहाँ जो दंगा हुआ था दिल्ली में,
हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर घूम घूम के सिखों की हत्या करने का काम किया था, और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, इनको कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव रंजन सिंह, ऑनरेबल मेंबर राजीव रंजन सिंह। सभापति महोदय, मैं अनुराग ठाकुर जी द्वारा जो राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में पिछले 10 वर्षों में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसका दर्पण उस राष्ट्रपति के अभिभाषण में है, और अभी आने वाले बजट में जब अगले सत्र में इस देश के लिए बजट पेश होगा तो उस समय 5 वर्षों के कार्यक्रम के साथ परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का पूरा संकलन और पूरा उसका विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाएगा। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कार्यकाल पूरा किया, तीसरा कार्यकाल उनका प्रारंभ हुआ और इस देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए उनको मत दिया, वोट दिया और पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने का बहुमत दिया। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान क्या प्रचार हो रहा था, पूरे चुनाव के दौरान जो अभियान देखिएगा और जो खास करके विरोधी दल के नेता का आज जो भाषण था और उनके चुनाव प्रचार का जो भाषण था, अगर दोनों को मिला के देखिएगा तो लगेगा कि वही आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं चुनाव के प्रचार में पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं। इस तरह के दुष्प्रचार, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे थे, आज भी लोकसभा के अध्यक्ष की संस्था पर हमला कर रहे थे और उस समय भी संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने हमला किया, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने जो मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास का जो मूल मंत्र था उसको स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया। लेकिन क्या कीजिएगा, आज भी वो बोल रहे थे। अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि देश की जनता ने जो तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी को जो समर्थन दिया है उसका स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार पर जो आपने हमला किया है उसको जारी रखिए और इस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करिए, इसके लिए इस देश की जनता ने दिया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के जो कार्यक्रम आपने चलाए हैं उस कार्यक्रम को चलाए रखिए और देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करिए, इसके लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना बहुमत दिया है। मोदी जी को गरीबों की सेवा करने के लिए जो उनके कार्यक्रम चलते रहे उस कार्यक्रम पर मोहर लगाया देश की जनता ने, इनको रिजेक्ट किया, इनको अस्वीकार किया। इसलिए मोदी जी को जो तीसरा कार्यकाल मिला है वो विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है उस पर आगे बढ़ने के लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना मुहर लगाना और अपनी स्वीकृति दी है। लेकिन सभापति महोदय 1971 का चुनाव हो रहा था, 1971 में इस देश में एक चुनाव हुआ था और उस देश में कांग्रेस पार्टी का नारा था गरीबी हटाओ देश बचाओ। जनता ने भरोसा कर लिया,
जनता ने इन पर भरोसा किया, 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया, लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। और जब इनको लगा 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा, और जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब राय बरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया, हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ, आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ, सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का, प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं जेल में उठा के बंद कर दिया गया। और सभापति महोदय, आज जब आ रहे थे, जब इस सदन का जब पहला दिन का सत्र था, तो संविधान का किताब लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे। आज भी नेता विपक्ष बोल रहे थे संविधान की जय हो। अरे जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने इस देश के संविधान का धज्जी उड़ाया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को चकनाचूर किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को कलंकित किया हो, उसको संविधान लेके सदन में आने का क्या हक है और संविधान की बात करने का क्या हक है? उनको कोई हक नहीं है संविधान के बारे में चर्चा करने का। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को समाप्त करने का काम किया है। पूरा इमरजेंसी इसका गवाह है। किसी को कोई साहस नहीं था, कहीं नहीं। और यह सत्य है। और सत्य सुनने की आदत डालिए, सत्य जानिए, सच्चाई। देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। ये बात है। आप बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत चर्चा कर। आप मत बोलिए ना, आप भी, आपका पार्टी का नेता भी वही थी, इमरजेंसी के समर्थन में थी। ममता बनर्जी भी उसमें कांग्रेस पार्टी में थी और इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। आप मत बोलिए सौगत राय साहब, हम लोग भुगते हैं, हम लोग ने पीड़ा सही है, हम लोग को दर्द मालूम है। इसलिए आप भी चले जाइए, 2-4 बार बन जाइएगा बंगाल में, चिंता मत करिए। अभी तो खाली कानून का किताब लेके खड़ा हो जा रहे हैं, इसलिए खाली टिकट आपको दे के लोकसभा का मेंबर बना दिया जा रहा है, तो इसलिए खाली संविधान पढ़ते रहिए, संविधान दिखाते रहिए। संविधान से कोई लेना देना आप लोगों का है नहीं, संविधान से कोई मतलब आप लोगों का है। और कई पार्टियां हैं इस सदन में, वो भी लेके आए संविधान की प्रति, साथ में लेके आए डीएमके पार्टी या आपको समाजवादी पार्टी। खैर, समाजवादी पार्टी और डीएमके पार्टी को संविधान लेके सदन में आने का हक है, इसलिए कि मुझको याद है कि जब इमरजेंसी लागू हुआ तमिलनाडु में श्री करुणानिधि साहब के नेतृत्व में सरकार थी, और इस कांग्रेस पार्टी ने करुणानिधि के सरकार को बर्खास्त कर दिया और सबको उठा के जेल में बंद कर देने का काम किया। लेकिन आज डीएमके के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को कि मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ संविधान का लेके चलें, लेकिन घूमिए, साथ रहिए जरूर,
लेकिन संविधान संविधान को ध्वस्त करने वाले पार्टी का समर्थन मत कीजिए, यह हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बात, अरे जदयू का बात काहे के लिए करेंगे, देश का बात कर रहे हैं। तो आपका नेता तो भाषण कर रहा था मंच वाला, पॉलिटिकल भाषण कर रहा था, जैसे लगता है कि पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हो, आप वही सा रहे हो। इस देश में जॉर्ज फर्नांडिस एक नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसा नेता था जिससे जिसकी देशभक्ति रोम रोम में भरी हुई थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को कितना कलंकित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम और अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। और ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है हम लोग। तो इसलिए संविधान की बात तो मत करिए, और खास करके नेता विरोधी दल का परिवार को कौन संविधान की बात करने का हक है? नेता विरोधी दल का परिवार संविधान विरोधी है। काला अध्याय में आपके परिवार का इतिहास लिखा जाएगा, इस देश के इतिहास। इसलिए आप वो करिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ऐसा घूम घूम के प्रचार करते रहे जैसे लगता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं रहा। पूरे दुनिया में देश को कलंकित करने का काम इन लोगों ने किया। बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट जाते रहे चुनाव आयोग को और ईवीएम मशीन को चुनौती देने के लिए, और इनको, और अगर ईवीएम खराब है तो सौगत राय जी, ममता दीदी का सरकार बंगाल में कैसे बन गया, हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बन गई, कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई, तेलंगाना में आपकी सरकार कैसे बन गई, अगर ईवीएम खराब है तो। जब आपको मिल जाए तो बड़ा आनंद में, और जब हारने का बारी आए तो ऐसा शो करिए कि जैसे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, बेईमानी से कोई जीत रहा है। अरे देश की जनता कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। बैलेट पेपर जब चुनाव होता था हम लोगों ने देखा, बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है हम लोगों ने देखा, एक एक थाक का थाक बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर निकलता था, थाक का थाक, जिस पर कोई वोटर का दस्तखत नहीं, कुछ नहीं, और उसी की गिनती होती थी। और यही प्रक्रिया आप चलाते रहे और सत्ता का आनंद लेते रहे, देश के संविधान का धज्जी उड़ाते रहे, वही आज भी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है, तो इसलिए आप इस पर चिंता मत कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको, और याद है ना, आपने देखा था, अभी बोल भी रहे थे, कोई स्पीकर बोल रहे थे, आप मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। कौन से संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं? अरे मोदी जी तो जिस दिन एनडीए की बैठक थी, इस बार तीसरे कार्यकाल में भी, तो मोदी जी जब संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में आए तो सबसे पहले उन्होंने जाके देश के संविधान का नमन किया। और जिस व्यक्ति ने देश की संविधान का नमन करके अपने नेतृत्व पर और देश की बागडोर संभाली हो, उससे संविधान को खतरा नहीं है। संविधान को खतरा है तो आपसे है, कांग्रेस पार्टी के से है, और कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी रही है और रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई, पीएम किसान निधि योजना, और जो आज विकास का दर है, ये दर आज हम 8-5वें नंबर पर थे, हम अर्थव्यवस्था में अभी 11वें नंबर पर थे और हम 10 वर्ष में 5वें नंबर पर आ गए। और मोदी जी का लक्ष्य है, मोदी जी का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया है कि 5 वर्षों में, सब दिए थे, अरे सब बता रहे हैं, आपको बता दिए हैं, आपका वही चरित्र है,
अभी उनके साथ घूमिए, नेताजी की आत्मा ऊपर से रो रही होगी। अरे नेताजी की आत्मा रो रही होगी। 11वें स्थान पर था, आज अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है और मोदी जी का संकल्प है कि 5 वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। अकेले अकेले भारत का, अकेले भारत का जो योगदान है इस दुनिया के विकास दर में वह 15% है। यह मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है, आपके सरकार की उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा आज यहाँ प्रहलाद जोशी जी बैठे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में इस देश में अगर ऊर्जा पर और बिजली के लिए अगर आत्मनिर्भर होना होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी पर ही, वही एकमात्र स्रोत है जिस पर आपको आत्मनिर्भर होना होगा। थर्मल से आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अभी तत्काल लॉन्ग रन के लिए वह उचित नहीं है। और जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उससे इस देश के बिजली का उत्पादन सोलर प्लेट के माध्यम से बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो देश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और थर्मल पावर, थर्मल से आपकी जो उसका उसके ऊपर जो आपका है, हाँ, उसके ऊपर जो आपका डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस घटेगा और आप अपने घरों में बिजली उत्पादन करके बिजली को आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गरीबों के प्रति संकल्प है, 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त ना दे ही रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भी आज जो उन्होंने दिया है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने किसानों को दिया है। और इस कार्यकाल की शुरुआत के साथ भी प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपया जारी करके लोगों को किसान, पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम किया है। पहला फैसला मोदी जी की सरकार ने किया कि 3 करोड़ लोगों को घरों का निर्माण कराया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये संकल्प शक्ति का प्रतीक है। और मोदी जी ने जो देश की जनता को जो वादा किया है उस वादा को पूरा करने के प्रति उनका जो संकल्प है, उस संकल्प को दृढ़ शिक्षा शक्ति को दर्शाता है। और इसलिए हम राम महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी के को संविधान विरोधी घोषित करते हैं। इनको याद है 1984 में जो यहाँ दंगा हुआ था, यहाँ जो दिल्ली में दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर घूम घूम के सिखों की हत्या करने का काम किया था। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, इनको कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।